आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं कि आप घर पे नॉनस्टिक तवे पे बटर नान कितनी आसानी से बना सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। ली है यहाँ पे मैंने एक कटोरी, इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, ये नॉर्मल पानी है। इसी के साथ हम यहाँ डालेंगे वो टीस्पून जितना नमक और इसे अच्छे से मिला लेना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा नमक बहुत अच्छे से मिल गया है पानी के साथ। हमने एक नान इसको लेंगे हाथ में और जो हमने नमक वाला पानी बनाया था ना उसको इस पे डालेंगे और अच्छे से चारों तरफ फैला देंगे। तो हमें ये काम अच्छे से करना है, पानी हल्का हल्का नहीं लगाना, अच्छे से हमें लगाना है चारों तरफ। आइए अब हम इसे सेकते हैं। नॉन स्टिक तवा, ये मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ तवे को, इसलिए दिखने में ऐसा है। तो इस पे डालेंगे हम ये नान, तो पानी वाली साइड जो है वो नीचे जाएगी और इसे अच्छे से हमें ऊपर से हल्के हल्के हाथ से दबाना है ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। आप देख सकते हो कि कितने अच्छे से हमारा नान जो है वो फूल रहा है। 3 से 4 मिनट हो गए हैं मुझे नान को सेकते हुए। अब हम इसे पलट लेंगे और आँच को हम लो टू मीडियम रखेंगे, ज़्यादा तेज आँच नहीं करेंगे, नहीं तो ऊपर से ये नान हमारा जो है वो जल जाएगा। तो अब हम इसे उल्टा तवा करके धीरे धीरे चारों तरफ से हम इसे सेकेंगे। तो घुमाते हुए हमें सेकना है चारों तरफ। आप देख सकते हैं कि मैं इसे चारों तरफ अच्छे से घुमाते हुए सेक रही हूँ और नॉनस्टिक तवे से हमारा ये नान नहीं गिरा है। आप देख सकते हैं कि नान हमारा अच्छे से बन गया है। ये देखिए, ये हमने बनाया है बिना आयरन तवे के और वो भी नॉनस्टिक तवे पे, जो बिल्कुल आसानी से हमारा बन के हो गया है तैयार। तो अब नॉनस्टिक तवे पे भी आप बहुत आसानी से घर पर बटर नान बना सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आज की किचन टिप्स आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।